हेलो साध्या, नमस्कार। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको एक 3D इस तरह की आपको एक प्लान दिखाना चाहता हूँ विथ ऑल स्ट्रक्चरल डिज़ाइन डिटेल्स। सो जिसको भी नेसेसरी है हमारे सर्विस आप लेना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर लीजिएगा मोबाइल नंबर 8095615113 पर। आपको हमारे सर्विस में मिल जाएगा फर्स्ट ऑफ ऑल एक 2D प्लान मिल जाएगा 1500 में, 3D फ्रंट एलिवेशन 3000, 3D फ्लोर प्लान मिलेगा पर फ्लोर आपको 1000 रुपीज़, 3D इंटीरियर पर रूम 1000, 3D वॉक थ्रू चाहिए आपका घर का पूरा फुल वॉक थ्रू कैसा दिखता है और तो उसका 5000 रहेगा, और RCC स्ट्रक्चरल एकदम बेसिक चाहिए तो 2000, RCC स्ट्रक्चरल इन डिटेल में चाहिए A to Z आपका बिल्डिंग का, चाहे वो बीम हो, प्लिंथ बीम हो, कॉलम, फुटिंग, बेसमेंट, PCC बेड, जो भी A to Z आता है उसका 10000 रुपये रहेगा। एस्टिमेशन चाहिए 1500, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग चाहिए 1500 और प्लम्बिंग का ड्राइंग चाहिए पर फ्लोर आपको तो 1500 रहेगा। तो साथियों इस तरह से आपको सर्विस हमारे साथ अवेलेबल रहेगा। चलिए आज की इस वीडियो में मैं आपको एक घर का डिज़ाइन दिखाना चाहता हूँ। सो देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक प्लान दिखाता हूँ। अगर इस तरह का 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन भी लेना चाहते हैं संपर्क कर लीजिएगा आप लोग। सो काफ़ी कम दाम में और एक बेस्ट और प्रैक्टिकली वो अप्लाई होना, अब बहुत सारे ऑनलाइन आपको मिल जाता है, वो लोग क्या करते हैं बगैर एक आइडिया के सिर्फ आप लोगों को जो है ड्राइंग में देते हैं और ऐसा डिज़ाइन देते हैं वो प्रैक्टिकली अप्लाई भी नहीं कर सकते, उतना टफ। और हम जो है आपको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिकली अप्लाई होना उस तरह का एक 3D डिज़ाइंस का फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन दिखा देते। चलिए मैं आपको एक क्लाइंट को बनाया था इस तरह का एक प्लान। सो प्लान दिखाता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद आप नेक्स्ट इसके ड्राइंग स्ट्रक्चरल डिटेल्स, बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन डिटेल्स आपको दिखाना चाहता हूँ। सो देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट आपको ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दो बनाए गए यहाँ पे। सो ये आता आपका ग्राउंड फ्लोर। दोस्तों ग्राउंड फ्लोर में जो है बनाया गया ये फुल कार पार्किंग एरिया रहेगा, जो भी एंट्रेंस जो है यहाँ पर ईस्ट की तरफ इसका मेन एंट्रेंस रोड आया हुआ है और इसके अंदर जो फुल कार पार्किंग रहेगा, जो भी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है ग्राउंड फ्लोर इस तरह का फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद सेकेंड और थर्ड फ्लोर कॉपी पेस्ट रहता है। और एंटर हो गए आप यहाँ पे, एंटर होते ही एक पोर्शन यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए एक हॉल, कॉमन टॉयलेट, बाद एक डक्ट मिलेगा, सो दैट यहाँ पे भी फुल कवर है, इस तरफ भी पूरा कवर है डक्ट। इधर से जो है आप पाइपलाइनिंग सिस्टम ले सकते हैं और सेपरेट टैंक बनाना चाहते हो साउथ ईस्ट कॉर्नर की तरफ सेपरेट टैंक बना लीजिएगा। एंड यहाँ पर आ जाएगा बेड, 10x3x11x6 की एक बेडरूम की साइज मिल रही है। और यहाँ पे आ जाता है आपका किचन, 6x9x6 में यूटिलिटी एरिया आपको मिल रहा है, 6x9x4 में यूटिलिटी एरिया मिल जाता है। तो पीछे की तरफ 2 फीट ऑफसेट छोड़ने का रीज़न ये है दोस्तों, यहाँ से कुछ प्लम्बिंग का पाइपलाइन कुछ लेके जाना चाहते हैं तो सीधा आप ग्राउंड फ्लोर की तरफ लेके जा सकते हैं। उसमें एक मेन चीज़ जो आता है बोलो, एक आता है वाटर सप्लाई सिस्टम आ जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर हो या फिर डेली यूज़ के लिए वाटर, वो सिस्टम के लिए यहाँ पर आपको लेके जाना पड़ेगा। या फिर दूसरा ऑप्शन जो है, यहाँ से भी आप पूरा छत के ऊपर तक लेके जा सकते हैं डक्ट की मदद से। तो इस डक्ट के अंदर ऐसा दीजिएगा सो दैट एक सीढ़ी और एक आदमी अंदर जाके ना काम करने जैसा लायक जैसा डक्ट बना लीजिएगा। अगर आप छोटे बनाए तो उन्हें पाइप कैसे छोड़ना, अंदर हथौड़ा कैसे मारना, तो ये प्रैक्टिकली आप लोगों को थिंक करके करना पड़ता है जो भी मैं बता रहा हूँ। अगर आपको ये 2 फीट की ये छोटा लग रहा है बोले तो और थोड़ा बड़ा भी कर सकते हैं। सो वेंटिलेशन की बात करें तो सामने की तरफ से डोर है तो यहाँ से वेंटिलेशन मिलेगा और यहाँ पे एक विंडो दे सकते हैं आप, वेंटिलेशन मिल जाएगा। किचन की बात करें तो एंटर करते हैं किचन आ जाएगा और इस तरफ एक छोटी विंडो या दरवाज़ा और ऊपर वेंटिलेटर जरूर दीजिएगा, ये यूटिलिटी बर्तन हो कपड़ा वाश करने के लिए इतना सफिशियंट है। यहाँ पर 2 फीट की ऑफसेट है सो कपड़ा सुखाने के लिए भी जगह मिल जाता है आप लोगों को, प्लस यहाँ पे विंडोज लगाने के लिए भी जगह मिल जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं फर्स्ट फ्लोर की। सो फर्स्ट फ्लोर की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर में आपको दिखाई देगा 2 पोर्शन यहाँ पे बनाया गया। सो जैसे सीढ़ी से आप लोग एंटर हो गए, एंटर होते यहाँ पे एक हॉल आ जाता है, ये ईस्ट फेसिंग की तरफ है, ये हॉल आ जाता है, यहाँ पे एक बेडरूम, इधर एक किचन, प्लस यूटिलिटी के लिए भी जगह दी गई है 3x10 फीट का। अगर आप चाहे तो इस तरफ पे भी ले सकते हैं यूटिलिटी एरिया, मतलब रोड के ऊपर अगर आप 3 फीट कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आजू बाजू वालों का 3 फीट, नाले के ऊपर आप ले सकते हैं, मतलब वहाँ पर भी आप बालकनी का यूटिलिटी वो सब कर सकते हैं, कपड़ा वॉश करने के लिए भी सफिशियंट हो जाए।
टॉप व्यू से दिखाया था। अब 10 mm का जो है फुटिंग जाली 4 इंच एल बेंड, ये जो ऐसा एल बेंड रहता, देखो ये 4 इंच का लीजिएगा, ये जो है 5 बाई 4 फीट का है ये वाला, ठीक है। अब इसका फुटिंग एक्सकेवेशन खोदने का जो रहता, देखो गड्ढा खोदने का रहता, देखो उसका ड्राइंग बता रहा हूँ मैं, एक कोने वाला कॉलम का हिस्सा आ जाता। सो एक्चुअली इसको इसेंट्रिक फुटिंग यूज़ करना चाहिए या फिर पेडेस्टल फुटिंग यूज़ करना चाहिए, वो सबसे बेस्ट रहता। तो यहाँ पे ऐसा फुटिंग का डायग्राम ऐसा आ रहा है, तो साथ ही आप भी इस तरह से लीजिएगा। तो ये बेसिक स्ट्रक्चरल डिज़ाइन आता, फिर उसके बाद आपको ज़रूरी पड़ता है मार्कआउट के लिए एक सेंटरलाइन प्लान की ज़रूरत पड़ती है। ये है सेंटरलाइन प्लान जो मार्कआउट के लिए ज़रूरी है दोस्तों। ये कॉलम से कॉलम प्लान लेने के बाद ये वाला आप ज़रूर लीजिएगा। सो इस तरह का एक सेंटर लाइन प्लान अपन लिए हैं, दिया हूँ क्लाइंट के लिए। तो सभी का फीस अलग रहता है, अगर आप फीस पे करें समझो सब कुछ आपको मिल जाता है। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, एंड हमारे सर्विस में आपको ये सब मिल जाता है। ये देखिएगा एक 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन मैं बना के दिया था क्लाइंट को, इस तरह से उनको दिया था। ये वाला 3D फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है दोस्तों, ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ हर एक डिटेल्स यहाँ पर दिए, इस तरह से एक डिटेल्स पता चल जाता है क्लाइंट को। और बेसिक डिज़ाइन है, ऐसा नहीं है कि फ्रंट एलिवेशन में पूरा आपका जमा पूंजी खर्च करे, बिल्कुल ऐसा भी नहीं है। एक सिस्टमेटिक तरीके से अपन देते हैं। ये वाला एक डिज़ाइन दिया था, एक आर्किटेक्ट थे बैंगलोर के, सो उनको भी ये वाला एक डिज़ाइन दिया था मैं। सो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना है, थैंक यू सो मच। प्लीज़ फील फ्री टू कॉल अवर मोबाइल नंबर 8095615113। धन्यवाद।